फर्जी लाइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सभी FIR को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ सभी FIR को बिहार ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को चुनौती देने और FIR रद्द किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर तमिलनाडु और बिहार राज्य की दोनों सरकार को नोटिस भी जारी किया। अब मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते शुक्रवार को होगी। वैसे तो सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड ने हैरानी सताते हुए कहा कि मनीष कश्यप पर NSA कैसे लग गया, इसके खिलाफ या प्रतिशोध क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील से कहा कि हम आपको इसके लिए मौका देते हैं कि अपनी याचिका में सुधार करें और NSA को चुनौती देने वाली बात को भी याचिका में चुनौती दें। हालांकि इस पर तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने यह दावा करने वाली फर्जी वीडियो बनाए कि बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि उनके 60 लाख फॉलोअर्स हैं, वह एक राजनेता है, उसने चुनाव लड़ा है, वह कोई पत्रकार नहीं। वही सुप्रीम कोर्ट ने आगे सवाल किया कि क्यों ना सारे मामले को एक साथ जोड़ दिया जाए, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट से कहा गया कि सब अलग मामले हैं। उन्होंने सभी केसों को बिहार ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया और उन्होंने कहा कि अलग अलग तीन वीडियो तीन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट किए गए। इस पर CJI चंद्रचूड ने कहा कि हम इन केसों को खारिज नहीं कर रहे बल्कि एजेंसी इसकी जांच करेगी। सिब्बल ने आगे कहा कि वीडियो सिर्फ पोस्ट नहीं किया गया बल्कि वह तमिलनाडु गया और उसने फर्जी वीडियो भी शूट किया। इस दौरान बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप अदालतन अपराधी है और बिहार में उस पर IPC की धारा 307 सहित कुल 8 केस चल रहे हैं। इस तरह बिहार और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर मनीष कश्यप की कक्षा की गुनाहों को सुप्रीम कोर्ट में गिनाया और अब देखना यह है कि इस मामले में अगले शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है। अब जो भी फैसला सामने आएगा हम आपके सामने उसी तरह से बखूबी रखेंगे, सत्य और सत्यता की परख आपको बताएंगे। और फिलहाल यह रिपोर्ट यहीं तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत। इसी तरह बने रहे हमारे चैनल RBC Live के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।